भाजपा किसान मोर्चा युवा किसान समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोर्चे के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के मोह से किसानों के साथ छलावा किया। लोकसभा चुनाव में किसानों के वोट को देखते हुए कांग्रेस ने कर्ज माफी जैसे हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और महिला हिंसा और बच्चों के साथ शोषण के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। गौरतलब है कि भाजपा किसान मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में अभियान चलाकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। देखिए, प्रमुख मुद्दे तीन ही हैं। इसमें पहले तो किसानों की ऋण माफी और उनसे संबंधित जितनी भी फर्जी काम अभी चल रहे हैं राज्य सरकार द्वारा, उनको एक तो हम चाहते हैं कि जनता तक ये पहुंचाया जा सके। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कमिट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि 10 दिन के अंदर सभी किसानों के संपूर्ण ऋण को माफ़ कर दिया जाएगा, जो कि अभी कहीं नहीं दिखाई देता है, ये धरातल पे कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती। तीसरा मुद्दा ये है कि जो भी किसान के ऋण माफ़ी किए जा रहे हैं उनके फर्जी नाम पोर्टल पर पाए गए हैं, राज्य सरकार के पोर्टल पर, और उनको केंद्र तक पहुँचा दिया गया है ऋण माफ़ी के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने अभी तक जितनी भी योजनाएं चलाई हैं और यहाँ राजस्थान सरकार ने भी उन योजनाओं को रोक दिया है। लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं थी हमारी, वो सारी पे रोक लगा दी है राज्य सरकार ने, और 15 लाख देने जैसा कोई भी वादा नहीं किया गया था। ये बार बार जो झूठ की ये लोग वो फैलाते हैं अफवाह कि 15 लाख देने का वादा किया था, इस तरह